मुल्क शोर मुल्क चुप्पी, यानी उसका कारण है मुल्क शोर में जब से एक जालिम मंत्री आया था वहाँ का आलम ही बदल गया था। उस मंत्री की दोस्ती एक जादूगर से थी और उसने जादूगर से एक ऐसी दवा बनवा कर राजा को खिलाई थी कि वो भोला भाला मासूम राजा गुलफाम एकदम जालिम बन गया था और आए दिन अपनी रियाया पर तमाम जुल्म खाता था। और मुल्क चुप्पी वो आगे पता चलेगा। हाँ, तो राजा गुलफाम ने अब अपने भाई फरहान के मुल्क मुल्क चुप्पी पर हमला करने की ठान ली थी। तो इधर जब ये सब संगीन बातें चल रही थी, इस सब से देखा गया रूफी और बागा के दिन बड़े मजे में कट रहे थे। वो दिन भर तरह तरह के खाने मंगवा कर खाते थे, गाते बजाते थे और आराम फरमाते थे। तो एक दिन जब वो ऐसे ही खाने और गाने की कुमारी में मस्त थे तो उन्होंने देखा कि दूर एक काफिला धूल उड़ाता हुआ चला जा रहा है। काफिले में कहार एक पालकी लेकर लपकते हुए जा रहे थे और अचरज की बात ये थी कि पालकी के अंदर एक उस्ताद जी अपने तानपुरे के साथ बैठे गाते हुए जा रहे थे। बागा ने पूछा, ए भाई कहाँ जा रहे हो? चाल और ताल बिना धीमे हुए जवाब आया, मुल्के चुप्पी। और ये जनाब गाते हुए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ संगीत का मुकाबला हो रहा है, संगीत सम्राट चुना जाएगा। संगीत सम्राट? सुनते ही गूपी और बागा की आंखें चमकने लगी। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और ताली बजाकर कहा, चुप्पी। और पलक झपकते ही वो दोनों एक अनजान शहर के चौराहे पर खड़े थे। और अभी वो ये सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएं कि तक के तभी सामने से उन्हें एक लड़का अपने कुत्ते के साथ आता हुआ नजर आया। गोपी ने उससे पूछा, भाई तुम जानते हो ये संगीत का मुकाबला कहाँ हो रहा है? लड़के ने फौरन आंखें चमका के सर हिलाया। कुत्ते ने भौंक कर अपनी जानकारी जताई। गोपी ने पूछा कहाँ, तो उसने एक सड़क की तरफ इशारा कर दिया। खैर, गोपी और बागा चलने लगे। अभी वो कुछ दूर चले थे कि फिर एक चौराहे पे खड़े थे कि फिर वहाँ से एक बड़ी अम्मा का गुजर हुआ। उन्होंने कहा, बड़ी अम्मा आप जानती हैं ये संगीत का मुकाबला कहाँ हो रहा है? बड़ी अम्मा ने कहा, बड़ी अम्मा ने ऐसे क्या पढ़ के एक सड़क की तरफ इशारा, एक राजमहल की तरफ इशारा कर दिया। अब गोपी और बागा चले राजमहल की तरफ। गोपी ने कहा, बड़ी अजीब बात है बागा, दो लोग मिले और दोनों ही घूमे। बागा ने रुके चारों तरफ देखा और बोला, गोपी दो ही नहीं, यहाँ तो सभी लोग घूमे दिख रहे हैं। गोपी ने देखा दुकानें खुली थी, लोग इधर से उधर आ जा रहे थे मगर बातें सभी इशारों में कर रहे थे, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। अभी वो लोग हैरानी से नज़ारा देख ही रहे थे कि गवैये उस्ताद की पालकी आती सुनाई पड़ी और उनके सामने से होती हुई राजमहल की तरफ चली गई। गोपी और बागा भी राजमहल की तरफ लपके। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि एक बड़े से कमरे में चांदनी बिछी है और एक गोल घेरे में रंगीन रेशमी मसनदों से टिके तरह तरह के गवैये अपने साजो सामान के साथ बैठे। तो कोई अपने तानपुरे की तरह लंबा था, कोई बाएं तबले की तरह गोल मटोल, कोई बांसुरी की तरह दुबला पतला, कोई सारंगी छेड़ रहा था, कोई तबला ठोक के उसे सुर में ला रहा था, तो किसी की मोटी मोटी उंगलियां हारमोनियम पे थिरक रही थी, कोई हवा में हाथ फेंक फेंक के ताने गुनगुना रहा था, तो कोई बड़े अदा से अपने घुंघराले बालों में उंगली फंसा कर मन ही मन किसी ताल पर सिर हिला रहा था। इत्र फुले की धीरे धीरे खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और कमीजे चांदी के थालों में रंगीन शरबत लाकर सबको पेश कर रही थी। थोड़ी ही देर में शहंशाह चुप्पी कदरदानी मौसूकी बादशाह फरहान दरबार में तशरीफ लाए। उनके आते ही नगाड़े वाले एक जोरदार नगाड़े में चौंप दी और संगीत का मुकाबला शुरू हो गया। दूर दूर से एक गवैये आए हुए थे। किसी ने इतने नीचे सुर में गाया कि लगा जैसे बादल गरज रहे हों, तो किसी ने कोयल की कूक की तरह ऊंचे सुर में गाया, किसी ने ऐसे द्रुत ताल में गाया कि लगा जैसे घोड़े दौड़ रहे हों, तो किसी के गाने से लगा कि घोड़ा दलदल में फंस गया है और बड़ी मुश्किल से एक एक सुर उठा पा रहा है, किसी के गले से हवा की तरह सर सराते हुए सुर निकले, तो किसी के गले से एक एक सुर ऐसे निकल रहा था मानो बड़ी मशक्कत के बाद खींच खींच के गाना गा रहा है। जब कई लोग गा चुके सभी ने गोपी और बागा की तरफ देखा। गोपी ने धूप निकल के अपना गला साफ किया और बागा ने अपना ढोल उठाया और फिर जो गोपी ने तान छेड़ी, देखो रे नया सूरज है निकला, आई है बाहर, आई है बाहर।
ढोल बजाता रहा। वक्त जैसे ठहर गया था। अंदर महल में सभी बाशिंदे अपना अपना काम छोड़कर गोपी और बाघा के संगीत में मस्त हो चुके थे। जो दुखी था वो अपनी दुख भूल गया, जो रो रहा था वो चुप हो गया, और जो दर्द से कराह रहा था उसका दर्द जाता रहा। और तो और अंदर महल में राजकुमारी 2 दिन से सरदर्द से परेशान थी, और दुनिया भर के गैर धक्की माँ के उसे तरह तरह की दवाइयाँ दे चुके थे मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। पर जैसे ही गोपी और बाघ का संगीत राजकुमारी के कानों में पड़ा, उसके सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, और जैसे ही गाना खत्म हुआ राजकुमारी के सर का दर्द छूप मंतर हो चुका था। ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सुनने वालों को लगा कि वो किसी सुनहरे सपने से जगे हों। बादशाह उठकर खड़े हो गए और कुछ लम्हों के लिए तो उनके मुंह से कोई अल्फाज ही ना निकले, बस उनके चेहरे पे बेइंतहा खुशी और हैरत के भाव बारी बारी से आते रहे। फिर उन्होंने कहा, अब किसी और को गाने की जरूरत नहीं है, इनसे बढ़िया गाने बजाने वाला हो ही नहीं सकता, गोपी और बाघा ही संगीत सम्राट हैं। ये सुन के नगाड़े वाले ने एक जोरदार रेला नगाड़े पर बजा डाला और राजा लपकते हुए गए और उन्होंने गोपी और बाघा को गले से लगा लिया। गोपी और बाघा अपने गंदे कपड़ों के बारे में सोच के थोड़ा सा कसमसाए, इसीलिए बच्चों जरूरी है कि रोज नहाओ और साफ कपड़े पहनो, क्या पता किसी दिन कोई राजा गले लगा ले तो। तब तक राजकुमारी भी वहां पहुंची ये देखने के लिए कि आखिर कौन है ऐसा अनोखा इंसान जिसकी आवाज में इतना जादू है। राजकुमारी ने गोपी को देखा, गोपी ने राजकुमारी को देखा, और वक्त एक लम्हे के लिए फिर ठहर गया। गोपी को देखते ही राजकुमारी के कानों में उसके सुर खुद ब खुद गूंजने लगे, और गोपी को राजकुमारी की आंखें किसी गहरे समंदर की तरह लगी जिनमें वो डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। कहानी आगे बढ़ाए। हाँ हाँ तो गोपी और बाघा को ढेर सारे इनाम से नवाजा गया, उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। अगले दिन बादशाह फरहान खुश शाही मेहमान खाने में पहुंचे और उन्हें कहा, भाई वाह, हम तुम्हारे संगीत के कायल हो चुके हैं, अब हम तुम्हें अपने दरबार में रखना चाहते हैं। गोपी ने कहा, महाराज गुस्साखी माँ को तो एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो। आप तो बोल सकते हैं मगर आपकी रियासत में बाकी सभी लोग बूढ़े हैं, भला ऐसा क्यों? बादशाह ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, गोपी पहले ऐसा नहीं था, मेरी रियासत में सब लोग बोलते थे, कहकह लगाते थे, चहचहाते थे। कुछ वक्त पहले मैं मुल्क से बाहर क्या गया कि यहाँ पे आके किसी ने काला जादू कर दिया जिसके असर से मेरी रियाया के लोग गूंगे हो गए। अभी ये बातें हुई रही थी कि तभी वहाँ पे एक सरकारी आया और उसने बताया कि मुल्क के शोर का एक सिपाही बादशाह फरहान के लिए पैगाम लेकर आया है। बादशाह फरहान गोपी और बाघ को लिए हुए सीधे राजमहल में पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने वो पैगाम पढ़ा उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उन्होंने कहा, अरे मुल्क के शोर का बादशाह तो मेरा अपना भाई है, और आज उसने मुझे जंग के लिए लगाया है। क्या ये लड़ाई रोकी नहीं जा सकती महाराज? गोपी ने पूछा। कैसे? अगर हम जाके बादशाह से बात करें तो? इतना आसान नहीं है गोपी, उनके शोर यहाँ से बहुत दूर है, और ना हमारे पास घोड़े हैं ना हाथी है कि हम उन पर चढ़ के वहाँ जा सकें। गोपी ने कहा, महाराज हमें हाथी और घोड़ों की जरूरत नहीं है, हम तो बस जूते पहनते और मजे से अपने। बाबा ने फौरन चुटकी काटी, उससे कहा, महाराज हम पैदल चले जाएंगे, हमें पता चले ना शौक है। हाँ हाँ महाराज, गोपी ने कहा, हम पैदल चले जाएंगे। बादशाह ने इजाज़त दी, गोपी और बाघा महल से बाहर आए और ताली बजाकर उनके शोर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि बादशाह के सिपाही किसानों को बंदी बनाकर महल की तरफ लिए जाते हैं। गोपी और बाघा भी उनमें शामिल हो गए। जैसे ही सब लोग महल में घुसे बादशाह रुस्तम जोर से चिल्लाया, इन सबके सर काट दो। ये सुनते ही ये खून फाड़ जल्लाद एक बड़ा सा पर्सा लेकर आया, जिसको देखते ही सभी कैदी थर थर कांपने लगे। गोपी ने कहा, अजब है ये देश, गजब है ये राजा, यहाँ रहने में ना आपको ही खाजा। अरे चुपके चुपके होले होले चल भाग चले बागा भोले। इस जालिम राजा की शक्ल देखकर मेरे पेट में होती गुड़ुम गुड़ुम, मन करता है ढोल की तरह से बजा डालू तघुम तघुम। अरे अभी तक तो गनीमत है, सलामत है अपने से कट गए तो कैसे बढ़िया खाना खाएंगे फिर। भागोरे 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 भागोरे। और दोनों वहां से ताली बजाकर गायब हुए और शहर के बाहर एक नदी किनारे जा पहुंचे। अब क्या करें गोपी? बाघा ने पूछा। गोपी ने कहा, मेरी दादी कहती थी
कि जब किसी समस्या का हल ना निकले तो ताम के सो जाना चाहिए और सपने में हल निकल आता है, ये कहके गोपी वहीं रेत पर लेट गया। भाव को इतना गुस्सा आया उसने कहा, ये क्या बकवास बात है गोपी। मगर तब तक तो गोपी सो चुका था। खैर भागा ने अपना ढोल उठाया और वो चुपचाप एक बाग की तरफ चलने लगा। अकेले बैठकर ढोल बजाने से बागा का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ दौड़ता था। आम के पेड़ के नीचे बैठकर बागा अपनी ढोलक पे हल्की हल्की थाप देने लगा। तभी उसे लगा कि थाप के बीच में एक और आवाज सुनाई दे रही है, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। मगर जब उसे ध्यान से सुना, नहीं ये तो किसी के रोने की आवाज थी। पर शहर से दूर अकेले इस बाग में भला कौन रो रहा होगा। चमेली के झुरमुट के पीछे से आवाज आ रही थी। बागा धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसने डाली हटाई, सामने देखा तो बस देखता ही रह गया। सामने नहायत हसीन खूबसूरत लड़की सोलह सिंगार किए झूले पे बैठी सिसक सिसक के रो रही थी। जिंदगी में पहली बार बागा अपना ढोल भूल के एक टक उस लड़की को देखने लगा। जैसे ही लड़की ने अचानक अपना सर उठाया, सामने बागा को देखा, वो घबराई। बागा फौरन कॉर्निस बजा के आ गया। उसने कहा, आप जरूर जन्नत की कोई परी है, पर आप रो क्यों रही हैं? लड़की आंसुओं के बीच मुस्कुराई और बोली, मैं कोई परी नहीं, मैं तो इस बदकिस्मत मुल्क की शहजादी हूँ, बादशाह बलफाम की बेटी। जब से ये नया मंत्री हमारे मुल्क में आया है, इसने पता नहीं मेरे बाबा पर क्या जादू कर दिया है कि वो अब इंसान के रूप में हैवान नजर आते हैं। और तो और अब उन्होंने चचा फरमान के मुल्क पर हमला करने की ठान ली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई कैसे रोकी जाए। ये सुन के बागा के अंदर का बाघ जाग उठा। उसने कहा, मैं रोकूंगा इस लड़ाई को। सच? ये क्या सुन के बागा को लगा, क्या इस दुनिया में उससे ज्यादा बहादुर, उससे ज्यादा अकलमंद, उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। राजकुमारी ने कहा, मेरी कलीजे आ रही हैं। बागा ने एक नजर राजकुमारी की तरफ देखा, अपना ढोल उठाया और चुपचाप वहां से निकलता चला गया और सीधा पहुंचा गोपी के पास। गोपी को उसे झंझोड़ के उठाया, गोपी गोपी चलो उठो, हमें जान रोकनी है। गोपी ने हक्का बक्का होकर कहा, क्या क्या कह रहे हो बागा, कैसे है? वो बदमाश मंत्री ही सारे फसाद की जड़ है, हम उसके महल में चलते हैं, वहां से जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। क्या कह रहे हो बागा, उस जालिम के महल में जाएंगे? हाँ हाँ गोपी, हम जासूस है ना, तो हमें जासूसी करके उस जंग को रोकना होगा। चलो चलो। वो दोनों ताली बजाकर वहां से गायब हुए और मंत्री के महल में जा पहुंचे। अभी वो इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि मंत्री के सामने एक अजीबो गरीब आदमी आ गया है। उसने एक लंबा रंग बिरंगा चोगा पहना था और उसके सर पर एक ऊंची टोपी थी जिसके ऊपर एक गेंदनुमा चीज थी जो लगातार घूमती जा रही थी और अपना रंग बदल रही थी, कभी गहरी नीली हो जाती, कभी पीली, कभी गुलाबी। गोपी और बाबा समझ गए कि ये जरूर कोई जादूगर है। जादूगर अजीबो गरीब आवाज निकालता हुआ पूरे कमरे में तैरने लगा। बस बस अपना एक भटकना बंद करो और एक जगह बैठ जाओ। जादूगर ने अपने चोगे से एक छोटी सी छड़ी निकाली और घुमाई और फौरन वहां एक खूबसूरत कुर्सी आ गई जिस पर वो बैठा, मगर उसके बैठते ही वो कुर्सी टूट गई और वो थम से नीचे गिरा। ओफो, जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारी जादुई ताकत खत्म होने में कितना वक्त बाकी है? 3 दिन। इसका मतलब है क्या हमें 3 दिन के अंदर अंदर मुल्क की चुप्पी पे हमला करना होगा? बस बस, ज्यादा शेती भगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने ही उन्हें गूंगा बनाया है, मगर जादूगर देखो हमारे मुल्क के शोर में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, ये सब आवाज़ें मुल्क की चुप्पी में नहीं सुनाई देंगी। और वैसे भी हम उनके लोगों पर राज करने में कोई मज़ा नहीं है। अगर वो लोग गूंगे ही बने रहे तो वो लोग हमें बता कैसे पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर वो लोग हमें बता नहीं पाए कि उन्हें क्या चाहिए तो हम उन्हें वो चीज़ें दे कैसे पाएंगे, और अगर हम उन्हें वो चीज़ें दे नहीं पाए तो हम उनसे वो चीज़ें छीन कैसे पाएंगे? तुम तो जानते ही हो कि मुझे छीनने में कितना मजा आता है। अब तुम अपनी पूरी ताकत लगा के एक ऐसी दवा बनाओ जिससे मुल्क की चुप्पी के लोग फौरन बोल उठे। हाँ, तुमने बादशाह गुलफाम को बदमाश बनाने वाली जो दवा दी थी ना,
उसका असर लगता है अब कुछ कम होता जा रहा है। चलो उसे और दवा खिलाकर आते हैं। उनके जाते ही गोपी बोला, बाबा मैं तो समझता था कि दवा तबीयत अच्छी करने के लिए दी जाती है, यहाँ तो दवा देकर उसे बदमाश बनाया जा रहा है। चलो हम भी कल की तैयारी करके आते हैं। अगले दिन जब जादूगर मंत्री के महल में पहुंचा तो गोपी और बाबा वहाँ पहले से ही छुपे हुए थे। आओ आओ जादूगर बैठो, क्या लाए हो? जादूगर ने अपने चोगे में से एक बड़ी सी गोली निकाली और मंत्री के सामने रख दी। हाँ इससे लोग बोलने लगेंगे। बेवकूफ, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद थी। इस एक गोली को खा के तो एक ही आदमी बोलेगा ना। खाना नहीं है, जमीन पे रखना है। इसमें आग लगानी है। चारों तरफ फैलेगा और फिर लोग बोलने लगेंगे। अभी जादूगर उस गोली को उठाने ही वाला था कि गोपी और बागा उसके सामने आ गए और गोपी ने कहा, रुको रुको रुको, ओ मंत्री महाराज षड्यंत्री महाराज रुको, ओ मंत्री महाराज षड्यंत्री महाराज, ओ मंत्री महाराज षड्यंत्री महाराज, तू है सत्यानाशी, तूने की है बदमाशी, तू है सत्यानाशी, तूने की है बदमाशी, पर खुल गई है तेरी पोल, अरे बोल, पर खुल गई है तेरी पोल, अरे बोल, ओ मंत्री महाराज षड्यंत्री महाराज, ओ मंत्री महाराज षड्यंत्री महाराज, तू देखे घूर घूर तेरे सपने होंगे चूर, तू देखे घूर घूर तेरे सपने होंगे चूर, तेरी बदमाशी के दिन हुए दूर, अरे दूर, तेरी बदमाशी के दिन हुए दूर, अरे दूर, ओ मंत्री महाराज सावधान हो जाओ, ओ मंत्री महाराज सावधान हो जाओ। गाते गाते गोपी ने फिर से बोल करने वाली दवा की गोली उठाकर अपनी जेब में रखी और दोनों ताली बजाकर वहां से गायब हो गए। उनके जाते ही मंत्री होश में आया और उसने सिपाहियों को इधर उधर दौड़ाया, मगर उनका कुछ पता न चला। अब तो मंत्री घबराया, ये दोनों तो उसकी सारी साजिश सत्यानाश करने पर तुले हुए थे। उसने सेनापति को हुक्म दिया और सेनापति के एक इशारे पे मुल्क शोर के सिपाही अपने अपने हथियारों से लैसों के ऊँटों और घोड़ों पर सवार होने लगे और मुल्क शोर की सेना चल दी मुल्क चुप्पी की तरफ, मुल्क चुप्पी हमला हमला के नारे लगाते हुए। उधर जब गोपी और बागा ने नजारा देखा तो वो दौड़ के गए और एक ऊँचे टीले के ऊपर खड़े होकर उन्होंने वहां से ये गाना गाया, अरे बाबा देखो रे सेना चली जाए, अरे बाबा देखो रे सेना चली जाए, लड़ने को काटने को मारने को देखो चली जाए, काटे मारे देखो किसका खून है बहाए, आहारे 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 आहारे, लड़ने को जाके तुम पे तुम्हारे हथियार उठाए हैं पर भूख बड़ी भारी है, हथियार उठाए हैं पर भूख बड़ी भारी है, अरे बाबा देखो रे सेना चली जाए, लड़ने को काटने को मारने को देखो चली जाए।